तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई। हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट की, कि महिला प्रेसिडेंट होगी तो शोषण नहीं होगा, लेकिन ना पहले महिला प्रेसिडेंट ना महिला का कोई भागीदारी थी। आज आप पूरे इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देख लो, एक भी महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो बस यही कहना चाहूँगी कि जो ये लड़ाई है, ये हमने तो अपनी पूरी हिम्मत करके लड़ी, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि आने वाली जो और फ्यूचर है, जो बेटे हैं बेटियां हैं, जो रेसलर्स हैं नई जनरेशन के, उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सबको पता है कि हम जैन में आए थे, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि हमने जब हर तरीके से कोशिश कर ली थी, उसके बाद हम दिल्ली की सड़कों पे आके बैठे थे। सबसे पहले हम गृह मंत्री जी से मिले थे, मैं और बजरंग गए थे मिलने के लिए। हमने उनको इस बारे में बिल्कुल अवगत कराया था, क्लियरली हमने नाम लेके लड़कियों का बताया था कि किसके साथ में क्या क्या हुआ है, प्लीज़ आप इसको देखिए और प्लीज़ हमारी रेसलिंग को आप बचा लीजिए क्योंकि अभी अंत हो रहा है। उन्होंने हमें बोला था कि 30-40 दिन का टाइम मुझे दीजिए, उसके बाद में मैं करता हूँ और आप निश्चिंत रहिए, हम ज़रूर इसमें कुछ करेंगे। 3-4 महीने वेट करने के बाद में हम जंतर मंतर पे आए थे, हमने लड़ाई लड़ी थी जो आप सब देख रहे हो, पूरे देश को पता है। आज जो फेडरेशन का जो अध्यक्ष बना है संजय सिंह, स्टार्टिंग से वो लोग बोल रहे थे कि हम बनेंगे, हमें पता थी उसकी पावर पता है, उसका पोजीशन पता है, लेकिन दुख होता है कि देश में ऐसे लोगों को स्थान मिल रहा है, पद मिल रहा है। ब्रजभूषण का राइट हैंड है, उसके बेटे से भी ज़्यादा खास है, उसको प्रेसिडेंट में आना मतलब आने वाली लड़कियों का जो भविष्य है उनको फिर से शोषण का शिकार होना पड़ेगा। और जो चीज़ें पर्दे के पीछे होती आई हैं वो खुले में होगा। और दुख होता हमें इस बात का कि हम इतनी लड़ाई लड़के भी हम कोई सुधार नहीं कर पाए हमारी रेसलिंग में। आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे थे उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। हमें नहीं पता हमारे देश में न्याय कैसे मिलता है। सड़क से लेके रेसलिंग मैट से लेके बंद कमरों से लेके हमने हर किसी को अपनी बात बताई है। ऐसा नहीं है कि हम सीधा सड़क के ऊपर आ गए, हमने हर तरीके से कोशिश की है। जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है हमने उनको क्लियरली बताया है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, प्लीज़ आप कुछ करिए। पूरे देश को पता होते हुए भी ऐसे लोग जो शोषण कर रहे हैं, महिलाओं का करते आए हैं, उनको फिर से संवैधानिक पदों पर बिठाया जा रहा है, उनको स्पोर्ट्स में जगह दी जा रही है। जो एक महिला थी, हमें उम्मीद थी कि कोई महिला आएगी, आने वाली जो बच्चियां हैं वो एक संतुष्टि फील करेंगी कि एक महिला है और उनको भी एक हौसला मिलेगा कि हाँ कि हम अभी सेफ हैं। ना तो पहले रेसलिंग फेडरेशन में कोई भी एक लड़की थी, ना कोई भी आगे लड़की है। मैं हमारे आने वाले रेसलर से कहना चाहती हूँ कि आने वाली 2 या 4 पीढ़ियाँ तैयार रहिए शोषण के लिए। शायद आपको भी ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। भगत सिंह जी ने जब देश के लिए फांसी लगाई थी, देश तभी आज़ाद नहीं हुआ था। काफ़ी साल लग गए थे उनको अपने देश को आज़ाद होने में भी। हम उम्मीद बहुत कम है, फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन बड़ी दुख की बात है, आज हमारे रेसलिंग का जो भविष्य है वो अंधकार में है। हमें नहीं पता कहाँ पे अरदास लगती है, किसके सामने जाके हम अपना दुख बताएं। आज आप सबके सामने आए हैं, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर भी हम बैठे हैं यहाँ पे, फिर भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं।
उम्मीद कर रहे हैं कि वो आस और उम्मीद हम फिर से जगा पाए। आपको बताऊं, सरकार से ना तो हमारी पहले लड़ाई थी ना हमारी आज लड़ाई। हम एक व्यक्तिगत आदमी के खिलाफ लड़ रहे थे जो बच्चियों का, लड़कियों का शोषण कर रहा था, बहन बेटियों का। उसने अपनी पावर से हर तरीके से, कभी उसको राजनीति मोड़ दिया, कभी जातिवाद का मोड़ दिया, कभी उसने हरियाणा यूपी का मोड़ दिया, क्योंकि उसके पास पावर है। और वो आप सब ने देख ली, हमने भी देख ली। जो हमारे से जितने भी लोग जुड़ रहे हैं प्रोटेस्ट से, चाहे वो हमारे कोचिज हैं, चाहे वो हमारे खिलाड़ी हैं, चाहे उसमें हम हैं, किसी का भी अब आगे भविष्य सेफ नहीं है। किसी के साथ भी कोई भी घटना, चाहे वो कार एक्सीडेंट लगा लीजिए, चाहे वो कोई भी ए टू जेड कैसे भी आरोप लगा लीजिए, वो लगने शुरू हो जाएंगे आगे। क्योंकि हम सब ने, पूरे देश ने उसकी पावर का, उसका जो तंत्र है, जो काम कर रहा है उसके पीछे, वो सब ने देख लिया है। जिस तरीके से वो लोगों में अपना भरम फैला रहे हैं, लोगों को तोड़ने की, जब 20 लड़कियां स्टार्टिंग में आई थी उनमें उन्होंने 6 छोड़ी, उनके भी पीछे एक एक करके सबको तोड़ने लग रहे हैं, तो इससे बुरा दौर क्या होगा देश के लिए। और मुझे नहीं पता, वो न्याय की विनेश भी बोल रही थी, साक्षी बोल रही थी, कब मिलेगा ये लड़ाई। चलो हम लड़े, हम नहीं जीत पाए, लेकिन ये लड़ाई किसी ना किसी को, जो आने वाली पीढ़ी उनमें, उनको भी किसी ना किसी को लड़नी पड़ेगी। विनेश ने बताया भगत सिंह को जब फांसी हुई थी तो उसके 20-25 साल बाद हमें आज़ादी मिली थी, लेकिन पता नहीं कुश्ती से आज़ादी हमें कब मिलेगी। अब हमारी रेसलिंग का कैरियर, हमें नहीं लगता कि आगे हम रेसलिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब उसी के लोग आ रहे हैं, वो जो बच्चे हैं जो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, इतनी हिम्मत जुटा के वो आगे आए थे, इतने साल लग गए उनको ये हिम्मत जुटाने में, जो हमारे देश की जो गांव में, जो देहात में महिलाएं हैं, वो इस शोषण से गुजरती होंगी, तो वो भी तो देखती होंगी कि हम किसके सामने आवाज़ रखें। जब हमने पूरे देश के सामने, पूरी सरकार के सामने सारी चीज़ें खोल के रख दी, उसके बाद भी न्याय नहीं मिला, तो वो बहन बेटियाँ किसके सामने रखेंगी अपनी बातें। हमारे देश में मुझे नहीं पता कि राजनीति कैसे होती है, पर आज देख रहे हैं ना, सिर्फ जातिवाद, धर्म हो रहा है, धर्म यही होती है। मैं अपनी खुद की बताता हूँ, खिलाड़ी की क्या जाति होती है, हम अखाड़े में बैठ के एक थाली में रोटी खाते हैं, हमें जाति किसी की नहीं पूछते कि आपकी क्या जाति है, आपका क्या धर्म है। अगर मैं देखने लग जाऊँ, जो मेरा पर्सनल ट्रेनर है वो मुस्लिम है, जो मेरा फिजियो है वो बनिया है, तो मैं तो ये ऐसे सोचूं कि भाई नहीं, हम तो किसी और को लेके आएंगे, उनके साथ हम एक ही थाली में रोटी खाते हैं। तो वो खिलाड़ियों को बता रहे हैं कि भाई जातिवाद है, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं आज पूरी मीडिया बैठी है देश की, अगर हम तीनों में से कोई भी किसी पार्टी के टच में हो या किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता हो, कभी नहीं मिलेंगे हम आपको, किसी भी पार्टी के साथ नहीं मिलेंगे। हम राजनीति करने नहीं आए, हम अपनी बहन बेटियों की न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो वही बताया, जो आगे जो हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी लोग हैं, बहन बेटियाँ, उनके साथ, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है आगे भी। अंत में हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए, हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका जो उसका बिल्कुल सही होगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है वो, अगर इस फेडरेशन में रहेगा, तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। धन्यवाद।
बता दीजिए। अब पहले इतना बड़ा फैसला लेने का।